दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1918 का सीन दिखाया जाता है जहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी जा रही थी और यहां पर हम एक जर्मन सोल्जर को भी देखते हैं जिसका नाम थॉमस होता है जो कि वॉर के दौरान घायल हो गया था और जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। जर्मन आर्मी उसको मरा हुआ समझकर डेड बॉडी से भरे एक गड्ढे में फेंक देती है जहाँ पर सारे डेड सोल्जर की बॉडी होती है। वे इन सभी डेड बॉडीज को बॉम्ब से उड़ाने का डिसाइड करते हैं कि तभी थॉमस को एक विजन आता है जिसमें एक छोटी सी लड़की उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक से थॉमस की बॉडी में कुछ मूवमेंट होती है और ये मूवमेंट बाहर खड़ा एक सोल्जर देख लेता है और वे समझ जाते हैं कि थॉमस अभी भी जिंदा है। थॉमस को फिर वहां से बाहर निकाल लिया जाता है और इसी के साथ इस मूवी का यह सीन यहीं पर एंड होता है। दोस्तों सीन अब यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें 6 महीने आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम एना होता है और वो एक मार्केट में घूम रही होती है जहाँ पर उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर पोस्टमार्टम फोटो लिखा गया था। वो उस बोर्ड के पास जाती है तो वहाँ पर मरे हुए लोगों की फोटोज होती है और वे फोटोज उन्हीं की फैमिली मेंबर्स के साथ में खींची हुई होती है। दरअसल उस समय जर्मनी का ये रिवाज था जहाँ पर फैमिली मेंबर अपने करीबी की मौत पर उसकी डेड बॉडी के साथ में ऐसे फोटोज खिंचवाते हैं जैसे कि मानो वो अभी भी जिंदा हो। दोस्तों बेसिकली ये एक तरीके का फ्यूनरल फोटो होता है। फिर हम टेंट के अंदर थॉमस को देखते हैं जो कि आर्मी से रिटायर होकर अब एक पोस्टमार्टम फोटोग्राफर बन गया था। यहाँ पर एक फैमिली अपनी मरी हुई बेटी के साथ फोटो खिंचवाने आई हुई थी और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि उस लड़की की मौत स्पेनिश फ्लू की वजह से हो गई थी जो कि एक प्रकार का वायरस था। एना अब यहाँ पर थॉमस के पास आकर उसे अपने गांव चलने का कहती है क्योंकि उसके गांव में बहुत से लोगों की डेड बॉडीज है और वो सबको एक साथ यहाँ पर नहीं ला सकती थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एना वही लड़की है जो कि थॉमस के विजन में आई थी और थॉमस अपने विजन को पूरी तरीके से जानने के लिए एना के साथ में चलने के लिए रेडी हो जाता है। थॉमस एना के साथ उसके गांव पहुंचता है। वैसे तो वो गांव देखने में बहुत ही ज्यादा वीरान और डरावना लग रहा था। एना वहां पर पहुंचकर अपने घर आंटी के पास चली जाती है जो कि एक व्हील चेयर पर बैठी थी। थॉमस वहां पर देखता है कि कुछ लोगों ने स्पेनिश फ्लू से बचने के लिए एक खास प्रकार का मास्क बनाकर अपने पूरे फेस को कवर कर रखा है और अब थॉमस माशा नाम की एक लड़की के घर पर भी जाता है जो कि उस गांव की एक रिस्पेक्टेड टीचर थी। थॉमस को अपने फोटो शूट के दौरान माशा के घर पर ही रुकना था और अब रात में जब थॉमस रूम में सो रहा था तभी उसको बाहर से कुछ आवाज आ रही होती है और वो विंडो के पास जाकर बाहर देखता है कि अचानक से उसके रूम का गेट अपने आप खुलने लगता है। वो चेक करने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है कि तभी उसके पास से कोई बहुत तेजी से निकलता है जिसे देखकर उसको ऐसा लगता है कि शायद माशा है। जब वो माशा के रूम को चेक करता है तो माशा वहां पर सो रही थी और तभी उसको छत पर किसी के बहुत तेजी से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। थॉमस ऊपर जाकर चेक करता है मगर उसको वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है तो इसीलिए वो वहां से ऊपर उतर आता है और छत का दरवाजा अपने आप बहुत तेजी से बंद हो जाता है। फिर इन सब से परेशान होकर थॉमस वापस अपने रूम में आकर लेट जाता है और यहाँ पर हम एक ब्लैक शेडो को देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो थॉमस को हॉन्ट करना चाहती है। अब अगली मॉर्निंग थॉमस और माशा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और थॉमस उसे कल रात के इंसिडेंट के बारे में पूछता है मगर माशा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। फिर थॉमस अपने पहले पोस्टमार्टम फोटोशूट के लिए फ्रेड नाम के एक आदमी के साथ में उसके घर पर जाता है जो कि काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ था। थॉमस सारे फोटोज को उसी घर में क्लिक करने के लिए कहता है क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं रहता था और अब गांव वाले एक डेड बॉडी को लेकर आते हैं जिसकी फोटो खींचना थी। थॉमस उसके फैमिली मेंबर को एक एल्बम दिखाता है जिसमें बहुत से पोजेस होते हैं। थॉमस उन फैमिली वालों को उन फोटोज में से एक पोज को सिलेक्ट करने के लिए कहता है ताकि उस पोज में वो फोटो क्लिक करें। थॉमस फोटो खींचने लगता है कि तभी वहां पर एना आ जाती है और अब एना और थॉमस बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे रखी एक डेड बॉडी अपने आप मूवमेंट करने लगती है और ये देखकर दोनों लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब थॉमस फोटोज को निकाल ही रहा होता है तो उसको सभी फोटो में ब्लैक शेडो दिखाई देती है जो कि किसी स्पिरिट की होती है और ये देखकर थॉमस थोड़ा सा डर जाता है और डेड बॉडी के पास जाकर उस शेडो को छूने की कोशिश करता है कि तभी बाहर से बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है जिसे चेक करने के लिए थॉमस बाहर जाता है तो गांव के एक घर में आग लगी होती है। उस घर की चिमनी के अंदर एक लेडी जलकर मर जाती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट है
और उस लेडी को किसी स्पिरिट ने मार डाला है। सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम थॉमस को फोटो निकालते हुए देखते हैं, जहाँ पर एना कहती है कि ये काम उन्हीं सारे स्पिरिट का है। तो थॉमस उन स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस कमरे में रखी हुई सारी चीजें इधर उधर गिरने लगती है और उसे देखकर एना और थॉमस घर से बाहर भाग जाते हैं। एना कहती है कि ये स्पिरिट कभी भी हम लोगों पर अटैक नहीं करती थी, लेकिन तुमको यहाँ पर लाने के बाद में ये स्पिरिट हम पर गुस्सा हो गई और एना थॉमस को यहाँ से जाने के लिए कह देती है। बेसिकली ये स्पिरिट उन गांव वालों की होती है जो कि मर चुके होते हैं और उन्हें दफनाया नहीं गया था, क्योंकि ठंड के मौसम में जमीन बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाती है, जिस वजह से उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है और वो अभी भी गाँव में मौजूद है। तो अब रात में जब थॉमस सो रहा होता है तो वही स्पिरिट उसको बेड से उठा लेती है, जिससे कि थॉमस काफी ज्यादा डर जाता है और वो डरकर रात में ही गांव छोड़कर भाग जाता है। थॉमस को भागता देखकर एना उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस काफी ज्यादा दूर निकल चुका होता है और अब रास्ते में थॉमस एक जगह पर रुककर आराम करता है। तभी उसको एना का विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि कुछ स्पिरिट्स एना को मारने की कोशिश कर रही है और उसे देखकर थॉमस वापस गांव जाने का डिसाइड कर लेता है। फिर वो अब गांव में जाता है, जिसे देखकर एना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों गांव में जाकर सभी मरे हुए लोगों की जानकारी निकालने में लग जाते हैं, जहां पर उन्हें ये पता चलता है कि इन स्पिरिट की प्रेजेंस इस गांव में बहुत साल पहले से थी। गांव के एक प्रिस्ट ने इन स्पिरिट्स पर काबू भी पा लिया था, लेकिन प्रिस्ट के मरने के बाद ये स्पिरिट फिर से आजाद हो गई और गाँव पर अपना कब्जा कर लिया। फिर वो दोनों दूसरी लेडी के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो लेडी ये बताती है कि उसके हस्बैंड इसी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और वो नीचे बेसमेंट में कुछ काम कर रही थी कि तभी उसको उसके हस्बैंड के चिल्लाने की आवाज आई। तो भागकर ऊपर पहुंची तो देखती है कि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है और उसका सर उसके छाती में घुसा हुआ है। इसे सुनकर हैना और थॉमस उस बेसमेंट पर जाते हैं, जहाँ पर उनके पीछे पीछे वो स्पिरिट भी आ जाती है और बेसमेंट से वापस आते वक्त एना को वो स्पिरिट वहीं पर बंद कर लेती है और वो थॉमस को उस डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है। थॉमस को फिर उस लेडी के हस्बैंड का विजन आता है और वो दोनों डरकर घर से बाहर आ जाते हैं और उस लेडी से उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के बारे में पूछते हैं। तो लेडी बताती है कि उसके हस्बैंड की बॉडी फार्म हाउस में रखी हुई है। अब एना और थॉमस फार्म हाउस में जाते हैं, जहाँ पर गाँव के सभी लोगों की डेड बॉडीज रखी हुई थी और एना एक एक करके थॉमस को सारी बॉडीज के नाम बताती है। थॉमस सबका नाम एक डायरी में नोट कर लेता है और सभी बॉडीज की फोटो क्लिक करता है और साथ ही साथ वो एना के भी पिक क्लिक कर लेता है। थॉमस उन बॉडी के सीने में एक मार्क देखता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये बॉडीज हवा को काबू कर सकती है और हवा में उड़ सकती है। अब थॉमस एना की फोटो निकाल रहा होता है, जहाँ पर उसे एना के पीछे बहुत सी स्पिरिट्स दिखाई देती है और तभी वो सब अपने आप हिलने लगती है और रूम की लाइट चली जाती है। फिर अचानक से दरवाजा अपने आप खुल जाता है। थॉमस फिर एना के साथ में फार्म हाउस जाता है, जहाँ पर वो डेड बॉडीज के चारों तरफ घंटे बांध देता है और वो गांव वालों की हेल्प से जमीन पर आटा डलवा देता है, ताकि वो उन स्पिरिट के फुटप्रिंट को कैप्चर कर सके। और साथ ही साथ वो अपने कैमरे को भी उस फार्म हाउस में सेट कर देता है और वे दोनों वहां पर खड़ी एक गाड़ी में छुपकर बैठ जाते हैं। तो अब अगले सीन में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, जो कि रात में अपने रिलेटिव के घर से रेस्क्यू की मदद से अपने घर जा रहा था कि तभी उसको वहां पर किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो रस्सी अपने आप हिलने लगती है। फिर गाँव के सभी मशाले भी बुझ जाती है और अब थॉमस और एना को किसी के छत पर चलने की आवाजें भी आती है, जिसके बाद में फार्म हाउस में बंधी हुई घंटियां भी बहुत तेजी से बजने लगती है और इधर वो लड़का अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि कोई स्पिरिट उसको खींचकर वहां से ले जाने लगती है। उसकी माँ उसके पीछे उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हो जाती है। इधर थॉमस को भी एक स्पिरिट अपने साथ में घसीट कर बाहर ले जाती है और जब थॉमस वापस फार्म हाउस आ जाता है तो देखता है कि वो सारी बॉडीज उसी पोस्ट में खड़ी हुई है, जिस पोस्ट में वो पोस्टमार्टम फोटो क्लिक करता था। तभी एना उसके तरफ बहुत अजीब तरीके से चलकर आ रही होती है और वो एकदम से गायब हो जाती है। फिर असली एना बाहर से उसके पास आ जाती है, तो इसका मतलब ये था कि पहले वाली एना सिर्फ एक स्पिरिट थी। तभी सारी डेड बॉडीज वहां पर जमीन पर गिर जाती है और अब गाँव के सारे लोग थॉमस के पास आते हैं। थॉमस वहां से अपना कैमरा और टेप रिकॉर्डर लेकर घर आता है और घर पर बैठकर वो टेप की रिकॉर्डिंग को सुनता है, जिसमें से उसे ये आवाज आती है कि थॉमस हमें अपनी कब्र में ले चलो।
फिर एक फोटो को देखकर उन्हें हिंट मिलती है कि एक घर है जिनमें उनकी कब्र है और वो घर और किसी का नहीं बल्कि एना का ही था। और जब थॉमस फोटो को उल्टा करता है तो वो एक घर की तरफ इशारा करता है जहाँ पर चार लोगों की मौत हो गई थी। जब थॉमस और गांव वाले उस घर में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें वही बच्चा दिखाई देता है जिसका मुंह बहुत अजीब तरीके से कटा हुआ था और उसके साथ उसकी फैमिली की डेड बॉडीज भी वहीं पर मौजूद थी। इसे देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। और तभी बाहर खड़े एक आदमी को एक स्पीड पकड़कर एना के घर ले जाती है और उसको छत पर पटकने लगती है। फिर वो आदमी तुरंत ही गायब हो जाता है जिसके बाद अब उस गांव में बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है जिस वजह से गांव वाले गॉड से प्रे करने लगते हैं। और तभी क्रॉस पकड़े एक आदमी को वो स्प्रिट मार डालती है। अब हम एना की आंट को पजस्ट होते हुए देखते हैं जो कि थॉमस से कहती है कि हमें कब्र के पास में ले चलो। फिर इधर स्प्रिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है और एक एक करके सभी लोगों को हवा में उड़ाने लगती है। ये देखकर थॉमस सभी को चर्च के अंदर जाने के लिए बोलता है जिसे सुनकर सभी लोग चर्च के अंदर चले जाते हैं और पीछे पीछे वो छोटा लड़का भी आ जाता है लेकिन वो गोस्ट होने की वजह से अंदर नहीं आ पाता है और वो कहता है कि तुम सभी लोग मेरे हाथों से ही मारे जाओगे और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। अब थॉमस एना को ढूंढने बाहर जाता है जहाँ पर उसे एना उसी फार्म हाउस में हवा में लटकी हुई मिलती है तो वो एना के पास जाकर उसको होश मिलाता है। तभी वहाँ पर माशा आ जाती है जो कि थॉमस से कहती है कि एना की आंटी मरने वाली है। तभी थॉमस कहता है कि इन स्पिरिट्स को एक ही इंसान अपने साथ में ले जा सकता है और वो है एना की आंटी, क्योंकि जब कोई इंसान मरता है तो वही इंसान बाकी सभी स्पिरिट को अपने साथ में ले जाकर उन्हें भी मुक्ति दिला सकता है। तो अब थॉमस सारी स्पिरिट को एक साथ लाने के लिए सभी डेड बॉडीज को एना के घर पर ले जाता है क्योंकि डेड बॉडीज से ही स्पिरिट्स अट्रैक्ट होती है। फिर हम एना की आंटी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से पजस्ट हो चुकी होती है जिसके बारे में उन सारी डेड बॉडीज को लाकर वहां पर रख दिया जाता है। तभी एना का घर जमीन में धंसने लगता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और सभी लोग भागकर बाहर आ जाते हैं लेकिन एना और थॉमस अंदर ही रह गए थे। लेकिन थॉमस किसी तरीके से एना को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है पर वो खुद ही अंदर फंस जाता है जिसके बाद में अब घर में ऊपर तक पानी भर गया था। फिर इधर एक आदमी एना के घर में आग लगा देता है जिसकी वजह से वो सारी डेड बॉडीज जल जाती है और वो डेड बॉडीज उठकर इधर उधर भागने लगती है। अब घर के अंदर हम थॉमस को देखते हैं जो कि पानी में डूब रहा होता है लेकिन तभी एना की आंटी उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी कुछ ही समय के बाद में एना की आंटी मारी जाती है। फिर पानी में सांस नहीं लेने के कारण थॉमस भी मरने लगता है और आत्माओं की दुनिया में वो पहुंच जाता है जहाँ पर वो सभी मरे हुए लोगों को देख पाता है। फिर इधर माशा थॉमस को बचाने के लिए रस्सी लेकर एक सीढ़ी की मदद से घर के अंदर जाती है और तैरकर वो थॉमस के पास में पहुंच जाती है। फिर वो थॉमस के पैर में रस्सी बांध देती है और छत पर खड़े दो लोग उस रस्सी को खींचकर थॉमस को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर एना की आंटी थॉमस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और वो एकदम से गायब हो जाती है और ये देखकर थॉमस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वहां पर सारी आत्माएं आकर थॉमस को घेर लेती है और थोड़ी देर के बाद में वो भी गायब हो जाती है। अब थॉमस को एना हवा में लटकी हुई दिखाई देती है और थॉमस भी एना के पास जाकर हवा में लेट जाता है। तभी एना उसको गोद में उठाकर हवा में उड़ने लगती है। फिर यहाँ पर रियल वर्ल्ड में भी एना थॉमस को उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी थॉमस को अचानक से होश आता है जिसका मतलब सारी स्पिरिट को अब एना के घर पर मुक्ति मिल चुकी होती है। सीन यहाँ पर कट होता है और हम थॉमस और एना को देखते हैं जो कि थॉमस के गांव जा रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में एक ऐसा गांव दिखाई देता है जहाँ से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है जो कि देखने में बिल्कुल पजेस्ड लग रहा था और ऐसा लगता है कि उस गांव में भी स्पिरिट्स मौजूद होंगी। और अब एना और थॉमस उस गांव की तरफ चल देते हैं जिसके साथ में ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों हमने इस मूवी में एक ऐसे गाँव की स्टोरी को देखा जहाँ पर ज्यादातर मरे हुए लोगों को दफनाया नहीं जाता था जिस कारण से उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती थी और वो आत्माएं गांव में ही घुमा करती थी। जैसा कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा कि थॉमस मौत से बचकर निकल के आया था तो सारी स्पिरिट्स थॉमस से मदद मांगती है और थॉमस गांव में आकर सभी को मुक्ति दिला भी देता है। तो जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा कि थॉमस मरकर वापस आ गया है तो इसीलिए वो दूसरी दुनिया की आत्माओं के साथ में कॉन्टेक्ट कर सकता था। वो आर्मी से निकलने के बाद में पोस्टमार्टम फोटोग्राफर बन गया था और सारी स्पिरिट्स जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती है वो थॉमस से कम्युनिकेट करके अपनी मुक्ति की मांग करती है।
थॉमस भी एना के साथ में उन सभी डेड बॉडीज को मुक्ति दिलाता है, जिसके बाद में हमने मूवी के एंड में देखा कि थॉमस अब लोगों को मुक्ति दिलाने का काम करने लगा है और इसी के साथ में ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप नीचे लाइक और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझे आपके कमेंट देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।